श्रीमती जया बच्चन जी। थैंक यू सर। सबसे पहले मंत्री जी को बहुत बधाई, आपका कल का शो बहुत भव्य रहा। उम्मीद है कि पर्यावरण का शो भी आपका भव्य रहेगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ सर। हाउस में इतने लोगों के होने से पता चल रहा है कि इसको हम कितनी सीरियसली ले रहे हैं। पार्टिसिपेशन जो है इज फैंटास्टिक फॉर सच अ सीरियस कॉज। माय अपील इज थ्रू यू टू एवरीवन, लेट अस नॉट पॉलिटिसाइज दिस। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टुमारोज जेनरेशन। हम तो कल तक जो चेंजेस हैं उसको भोग पाएंगे या नहीं आई डोंट नो, बट लेट्स सी दैट आर चिल्ड्रन हु आर रियली देयर ग्रोथ इज गेटिंग स्टंटेड बिकॉज ऑफ दिस टेरिबल पोल्यूशन व्हिच इज कॉज्ड ड्यू टू द एनवायरनमेंट कॉजेज। यू नो दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव सेड लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट आइस एंड melting and water. I mean, you know, people who live near the sea or near water, I don't know how long we'll be able to live there because the water level is rising and we live right next to the sea. It's a major problem. People who live in Delhi shayad bach jayenge, hum logon ka kya hoga pata nahi. With pollution, without pollution, aap log bach jayenge. Sorry. Countries like Ireland and England have declared emergency, environmental emergency. My request to you is, sir, please do that. आप लोग तो बहुत सी चीज़ें बगैर बोले emergency चल रहा है, but इसमें बहुत seriously करने की ज़रूरत है। आप declare करिए and you please penalize people, not only, don't put the blame on farmers. ये सब गलत चीज़ें हैं जो social media और अखबारों के थ्रू प्रोपगेट किया जा रहा है। दिल्ली इज़ नॉट द ओनली पोल्यूटेड सिटी इन दिस कंट्री। देर आर अदर सिटीज विच आर इक्वली पोल्यूटेड, मे बी अ लिटिल लेस। फॉर एग्जाम्पल कानपुर एंड वाराणसी। इट्स अ शेम। प्लीज डिक्लेयर environmental emergency and hold people responsible and punish right. them. This is the only language, unfortunately, we understand. Thank you very much. Right,